मध्य प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल सीहोर पहुँचे। कृषि उपज गल्ला मंडी सीहोर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का गुजरात में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। विधायक सुदेश राय के द्वारा कृषि मंत्री कमल पटेल का पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया गया। लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों के हित में अनेक योजनाओं की घोषणाएं की। कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री पटेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर इलाही, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े नेता, बड़ी संख्या में किसान और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और यहाँ की संस्कृति है जो खेती और ये देश कृषि आधारित देश कृषि प्रधान देश है। यह हमारी खेती पहले भगवान भगवान ने हल चला के सिखाई थी। कृषि खेती होती थी, पारंपरिक खेती होती थी, लेकिन हरित क्रांति के माध्यम से हमने आशा से पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग किया और उसके कारण आज उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन जीवन का खतरा भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है उससे मिट्टी भी जहरीली हो रही है पेस्टिसाइड के उपयोग से, रासायनिक के उपयोग से, और जीवन में जो अनाज उत्पादन हो रहा है वो भी नुकसानदेह हो रहा है, वो भी जहरीला हो रहा है, और उसके कारण कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ रही है, और उसके कारण आने वाले समय में मनुष्य जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। अभी डॉक्टर आडवाणी जी ने एक लेख लिखा है जो कैंसर के आने वाले समय में कैंसर के इतने पेशेंट बढ़ जाएंगे कि अस्पताल में बेड नहीं मिलेंगे। पंजाब में कैंसर ट्रेन चलती है बठिंडा से, क्यों? क्योंकि वहाँ अंधाधुंध पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है। यही स्थिति आज पूरे देश में, और इसलिए पूरा देश चिंतित है, सरकार भी चिंतित है, प्रधानमंत्री जी भी चिंतित है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों ने हमारे यहाँ अच्छी खेती की, प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की है, जीरो बजट और लागत भी कम हुई, तो प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी किसान की आय 2022 तक दोगुना करना, दोगुना कम होगी। जब लागत कम होगी, उत्पादन अधिक होगा, जो उत्पादन होगा अनाज का, खाद्यान्न सब्जियों का, वो स्वस्थ होगा, तो जीवन को भी जो खाएंगे मनुष्य वो भी स्वस्थ होंगे, और इसलिए उन्होंने प्राकृतिक कृषि पद्धति भारत सरकार ने योजना लागू की है, जिसके माध्यम से हम पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करेंगे और जो रासायनिक उपयोग का नहीं करेंगे और सरकार खेती करेंगे जो हमारी। मध्य प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए अभी आदर्श न्यूज़ को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें।